कनपट्टी लगा दिए उसके, उसे मार दिया वहीं पे। साहब मैंने अपनी बेटी को गुड़िया की तरह सजा कर शादी में भेजा था, वो बहुत सुंदर लग रही थी, पता नहीं दरिंदों की नजर कब उस पर पड़ गई और वो उसे उठा ले गए। हम पागलों की तरह उसको ढूंढते रहे लेकिन कहीं नहीं मिली। 3 दिन बाद वो ऐसी हालत में मिली जिसे देखकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने अपनी लाडो की आंखों में काजल लगाया था, दरिंदों ने उसकी दोनों आंखों को ही निकाल लिया, उसके फूल जैसे शरीर को तेजाब से जला दिया। उन हैवानों ने मेरे बच्ची के शरीर के निचले हिस्से को भी काट दिया। हाय मेरी बच्ची, वो बहुत तड़पी होगी, नन्ही सी जान इतना दर्द कैसे सह पाई होगी। मेरी बच्ची के साथ जिसने भी ऐसी दरिंदगी की है उसे भी उसी तरह मारा जाए, उन्हें भी फांसी पर लटका दिया जाए। ये दर्द उस माँ का है जिसकी 7 साल की बच्ची की 2 दिन पहले लाश मिली है। बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसकी एक टांग को काट दिया गया था। दरअसल यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से सामने आया है। यहाँ रविवार की शाम तालाग्राम थाना क्षेत्र के एक गाँव में मक्का के खेत से एक बच्ची का शव मिला। शव पर एक भी कपड़ा नहीं था। शव की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, सिर से लेकर पांव तक गंभीर चोटों के निशान थे। शव की शिनाख्त गांव में 4 मई को शादी समारोह से लापता हुई बच्ची के रूप में हुई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने रेप और मर्डर का आरोप लगाया कि बच्ची को जलाने का भी प्रयास किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, घटनास्थल से सैंपल कलेक्ट किए गए। वहीं रात में डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची लेकिन कुछ ठोस सबूत हाथ नहीं लग सके। सोमवार को भी गांव में पुलिस की गश्त बनी रही। इस बारे में बच्ची की रोती बिलख माँ ने बताया कि 4 मई को हमारी भतीजी की शादी थी, घर में बारात आने की तैयारियां हो रही थी और सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। बच्ची के पापा भी शादी की तैयारी में लगे थे। रात के करीब 9 बजे बच्ची को उन्होंने बिना चप्पल के देखा तो उसे मेरे पास भेजा। बिट्टी मेरे पास आई थी, उसने मुझसे कहा कि मम्मी हमको भी शादी के लिए तैयार कर दो। हमने उससे कहा कि रुक जाओ, अभी पापा के कपड़े प्रेस कर दे फिर तुम्हें तैयार करती है। इसके बाद मैं अपने काम में लग गई। माँ ने आगे बताया कि जब मैं फ्री हुई तो बच्ची को तैयार करने के लिए ढूंढने लगी। मैंने बच्ची के पापा से भी पूछा कि बिट्टी कहाँ गई तो उन्हें भी उसके बारे में मालूम नहीं था क्योंकि वह भी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। मैंने उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली और फिर सभी लोग उसे ढूंढने लगे लेकिन मेरी बिट्टी कहीं नहीं मिल सकी। इसके बाद माँ रोने लगती है। रोते हुए उन्होंने आगे बताया कि मैंने अपनी बच्ची को सुबह नहलाया था, उसकी आंखों में काजल भी लगाया था, दरिंदों ने मेरी बच्चों की आंखें तक ही निकाल ली, उसे तेजाब से जलाया है। माँ ने आगे बताया कि शादी थी इसलिए बिटिया को पहनाने के लिए हम कपड़े नए लेकर आए थे, वो कपड़े भी उसे नहीं पहना सके। हमें पहले पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो हम अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने से कभी दूर नहीं जाने देते। पुलिस को बताया गया था लेकिन वह भी उसे नहीं ढूंढ पाई। वहीं बच्ची के बदहवास पिता ने बताया कि कल रात पुलिस वाले आए थे, बोल रहे थे कि जो भी कोई भी हत्यारा है उसे पकड़ लेंगे। बच्ची के पिता ने आगे रोते हुए बताया कि हमने 6 मई को बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, उसकी फोटो भी पुलिस को दी थी लेकिन पुलिस मेरी बच्ची को नहीं ढूंढ पाई थी। बच्ची के माता पिता दोनों ने कहा कि जिस तरह मेरी बच्ची को मारा गया है उसी तरह उस दरिंदे को भी मारा जाए, उसको भी ऐसी ही सजा मिले, उसको भी फांसी हो। दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए कहा कि योगी जी जिसने भी मेरी बच्ची को मारा है उसे वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। सोमवार को बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया। 1 बजे तक बच्ची का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने कई जगह हड्डियां टूटी होने की बात कही है। वहीं बच्ची का बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है, DNA समेत कई जांच के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। वहीं परिजनों ने रोते बिलखते घाट पर बच्ची का अंतिम संस्कार किया, बच्ची को घाट के किनारे दफनाया गया। वहीं पुलिस अभी भी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।